देह व्यापार के लिए नाबालिग लड़कियों को नेपाल ले जाते समय पकड़ा गया मुखिया और उसका पूरा कुकर्म टीम। हालांकि मुखिया के कुकर्म में शामिल एक व्यक्ति एसएसबी को चकमा देकर हो गया फरार। एसएसबी के जवानों के हत्थे चढ़ा मुखिया अब फंस गया कानून के जाल में। दरअसल मधुबनी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर के पिपरौन के इलाके में एसएसबी के 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने चेक पोस्ट ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पिलर संख्या 284/35 के समीप एक स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका था, जिस पर एक महिला और 3 व्यक्ति के साथ 2 नाबालिग बच्ची भी थी। चेक पोस्ट पर पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति गाड़ी से उतरकर नेपाल टप गया, जिससे एसएसबी के जवानों का शक गहरा गया। बस होने लगी पूछताछ और खुलने लगी मुखिया जी के गंदे करतूत की पोल। इस दौरान एसएसबी के साथ ग्राम विकास युवा ट्रस्ट नाम की संस्था के सदस्य भी मौजूद थे। जब पूछताछ पूरी हुई तो सारा माजरा देह व्यापार से जुड़ गया। दरअसल एसएसबी के चंगुल में फंसे लोग नाबालिग लड़कियों को नेपाल में देह व्यापार कराने के लिए ले जा रहे थे। एसएसबी के चंगुल में धराए लोगों में दरभंगा जिले के गौरा बोराम ब्लॉक के कसरौर बसौली पंचायत का मुखिया रंजीत कुमार झा भी था। उसी के साथ उसका ड्राइवर जो कसरौर गांव का ही कुंज बिहारी झा और फरार हुए व्यक्ति की पहचान भैरव कुमार झा के रूप में हुई है। कुंज बिहारी मुखिया के चार पहिया वाहन पर बतौर ड्राइवर का काम करता था और फरार हुए भैरव झा गांव में ही बालू डिपो का धंधा भी करता था। उधर धराए आरोपियों ने बताया कि दरभंगा के महिला रानी देह व्यापार के लिए लड़कियां सप्लाई करती है। आरोपियों ने रानी से नेपाल ले जाने के लिए 3 लड़कियों की डिमांड की थी, जिस पर रानी ने 15,000 रुपये लेकर मुजफ्फरपुर के मुस्कान के साथ 2 नाबालिग लड़कियों को भी सौंप दिया था। इसके बाद आरोपियों ने स्कॉर्पियो से दोनों लड़कियों को लेकर नेपाल के लिए निकला था। इसी क्रम में बॉर्डर के समीप चेक पोस्ट पर धरा गया। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।